चाबी कैसे तोड़ दी? अरे वो कोड है। अबे हम बता रहे कैसे, हम बता रहे कोड कैसे बता रहे। यहाँ से निकलना बहुत खतरनाक है। आप ही लोग देख लो, जगह रोड जैसे जैसे जा रहे आगे वैसे वैसे रोड पास आता जा रहा है। देख सत्या पीछे, अरे वो कुत्ता, शेर शेर शेर। अरे तुम लोग टारगेट देखो ना यार, तुम लोग कहाँ गए? देख रहे हो खाने से इसको, एक एक भी खाओगे ना। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू नोरो, वेलकम बैक टू एसपी लाइफ। तो भाई मेरा सराउंडिंग है तो डंबल्स, इसलिए बॉडी इतना है। बाकी भाई पूरा गंदा, मतलब पूरा साफ सफाई चल रहा है, देख रहे हो पूरा होम का साफ सफाई चल रहा है। चार दिन, चौथा दिन आज साफ सफाई का। पर अभी हम निकल रहे हैं भाई सुबह सुबह, पहले कहीं सोच रहे हो राव जंगल जाने। राघव बुला रहा था कि चलो होराव जंगल, तो भाई निकलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बाकी उधर ही दिखाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो और डेली ब्लॉग को बस इंजॉय कर दो। देखो निकलते हैं, पहुँचते हैं उन लोगों के पास, अब तभी दिखाते हैं, चलो बाय। तो भाई आ चुके हैं दोस्तों के पास, अंडरवर्ल्ड के दोस्तों। आज मिलने हैं एक सूर्या और रंगीला, और अभी अंदर में, अंदर में कौन है अंदर वाला? बिरजू। बिरजू अभी अंदर ही है, तो उससे भी मिलाएंगे, फिर होराव जंगल चलते हैं। तो गाइस हम लोग के साथ जुड़ चुका है बिरजू, अंडरवर्ल्ड का हम लोग का चौथा आदमी। और हम लोग गाइस, तो हम लोग गाइस जा रहे हैं जंगल में, क्योंकि जो बोले ना कि अपना जो मिशन होता है ना, तो वो मिशन जो हम लोग को दिया था, तो हम सरल में अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जंगल में आ चुके हैं, होराव जंगल में। देख रहे हो रोड, क्योंकि भाई शांति में ही हम लोग मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिखाते पहले मिशन वाला जगह पे जाकर कि कैसा हम लोग का जगह रहता है, फिर वहाँ पर डिस्कस होता है। ब्लॉग कर रहा हूँ। तो गाइस अभी पहुँचते लोकेशन में, अब फिर जल्दी जाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं भाई एक गुप्त जगह पर, जहाँ हम लोग मिशन को, जैसे सूर्या और रंगीला फोटो लेने में लगा है। सूर्या देखो उधर चला गया, उधर पता नहीं ढूंढ रहा है। और हम और बिरजू अभी साथ में हैं। तो देखो अभी नीचे जाकर पहले भाई मिशन पर जाने से पहले कुछ खाना हो जाए, तो खाना जो लाए हैं पहले वो करें, कि भाई अगर खाली पेट अगर मिशन पर चल गए तो वो भी दिक्कत में है। क्या लाई तो बता, वो दिखाएंगे। तो गाइस देखो अपना मिशन के बीच में चल रहा है कचौड़ी, सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक भी गाइस होगा, शनि मंदिर से पाया हुआ। फिर हम लोग थोड़ा सा दूरी इधर बॉर्डर है, तो पानी की द्वारे जाएंगे हम लोग। कौन सा बॉर्डर? बागा बॉर्डर। बंद करो बंद करो। तो हो गया गाइस अपना नाश्ता सुबह का, कचौड़ी और बैठे हुए थे, सुंदर जगह। तो बस उधर बैठते हैं, फिर जाते हैं भाई पहाड़ पर, पानी साइड बैठते पहले, फिर पहाड़ साइड जाते, पहाड़ भी है और जंगल का बढ़िया। तो सॉरी हम मिशन में थे ना, भटक गए थोड़ा मिशन पर। तो बस यहाँ से भाई अपना आर्म लेकर निकलते हैं, सेट कर लो ना जितना भी, लोड लोड करके रख लो, और नज़र में नहीं आना भाई, जंगल जंगल ही जाना है फिर पहाड़ तक। तो ठीक है आए का बताते हैं भाई। तो भाई हम लोग बहुत दूर तक जंगल में चलते रहे, और हमें फिर ये लोकेशन मिला, काफ़ी सुंदर लोकेशन मिला, पेड़ काटने वाला। अरे वो अपना आदमी है भाई। वो अपना आदमी है। तो देखो ये लोकेशन पर थोड़ा सा बैठ के ड्रिंक्स व्रिंक्स हो रहा था अपना, उसके बाद निकलते हैं पहाड़ की ओर, बहुत दूर चढ़ना है अपने आप को। तो वो आदमी हम लोग का पेड़ के बीच छुप गया, उसको लगे दुश्मन आसपास नहीं है भाई, दिक्कत नहीं है अब छुपने का, नहीं है अब ज़्यादा ऐसी तरह। तो भाई जंगल से पार होने के लिए हम लोगों ने वाहन का यूज़ किया, भाई एक बात तो समझ गया, जितना जंगल के हम लोग अंदर जाते आ रहे ना, जंगल और पास आता जा रहा है, इस वजह से यहाँ से निकलना बहुत खतरनाक है। आप ही लोग देख लो, जगह रोड जैसे जैसे जा रहे आगे वैसे वैसे रोड पास आता जा रहा है, देख रहे हो जंगल कितना खतरनाक है। तो इसी वजह से हम लोग को निकलना होगा यहाँ से जल्दी, और हमें पहाड़ पर जल्दी से पहुँचना होगा, क्योंकि रात में जंगल में रुकना ठीक नहीं रहेगा टेंट लगाने के लिए अपने, तो पहाड़ ही ठीक रहेगा, वहाँ पर जंगली जानवर लोग अटैक नहीं कर पाएंगे अपने। तो बिरजू अभी गाड़ी चला रहा है, और रंगीला और सत्या पीछे। अरे वो कुत्ता, शेर शेर शेर। तो कुछ जंगली जानवर भी मिल रहे हैं हमें गाइस, उधर चलो
इसलिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी, राइट लेफ्ट किधर। तो रोड जैसे जैसे सुंदर होता जा रहा था, रोड का खतरनाक उतना ही होता जा रहा था, क्योंकि सुंदर चीजों से बच के रहना चाहिए हमेशा। और कुछ कुछ एजेंट भी हमें बीच में दिख रहे थे जो उसी मिशन की ओर जा रहे थे, इस पहाड़ से गुजर के। तो हमें थोड़ा ज़्यादा सावधान होना पड़ गया, तो इसलिए हम लोगों ने एक उपाय लगाया कि हम लोगों ने घूमता हुआ चक्का वाला स्कूटी यूज़ करना शुरू किया, घूमता हुआ चक्का वाला, ताकि उन लोगों एजेंट से पहले हम लोग पहुँच जाए। और ये हम लोग आ गए हैं लोकेशन पर। तो सबसे पहले पहुंचे हम लोग लोकेशन पे, तो एक वॉच टावर दिखा, पता नहीं कौन हम पर नजर रखा होगा, वो नहीं मालूम। तो पहले हम लोग वहाँ देख ले रहे अच्छे से कि कोई है तो नहीं ना, फिर हम लोग यहाँ पर टेंट लगाएंगे। ये देखो देखो ट्रेन जा रहा है, देखो ट्रेन जा रहा है उधर, ट्रेन ट्रेन है। चाबी किसका टूटा? चाबी चाबी कैसे तोड़ दी? अरे वो कोड है। अबे हम बता रहे कैसे, हम बता रहे कोड कैसे नहीं होता कि आधा टुकड़ा मिला था, आधा टुकड़ा मिलाएगा ना तो चलेगा, तभी खुलता वो। सही समझा। तुम लोग को एजेंट कौन बना दिया? डिग्रेड सत्या उसी में सत्या सिखाओ कुछ हमें, वो ट्रेन को ही हाईजैक करना है। काला कपड़ा वाला नया आया अब, स्नाइपर अपना। तो हम लोग इस जगह बैठ के अपना मतलब आराम कर रहे हैं और टारगेट का वेट कर रहे हैं। अरे तुम लोग टारगेट देखो ना यार, तुम लोग कहाँ थोड़ा सा घर ले जाएगा पूरा पुल कर। तो टारगेट को देख रहे हैं, देखो टारगेट वहीं से पार होगा और हम लोग को उस समय नजर रखना है, इसीलिए अब यहीं पे बैठ के। तो यहाँ काफी जंगली जानवर मिल रहा था, शेर, जिसे हम लोगों ने कुरकुरे खिलाकर अपने साइड कर लिया। और भाई टारगेट अभी तक दिखा नहीं अपना को, रांची मतलब उसको नहीं घुसने देना है, इसको अब बना देंगे कैट कैट ग्रुप में। तो हम लोगों ने जिसे खाना खिलाया है वो बेदिया निकला, वो उधर जाके अपने टीममेट्स को बता दिया, और एजेंट को पता लगते ही हम लोग का आज का मिशन कैंसिल कर दिया गया। सामने ही हम लोग का टारगेट आ चुका था, सामने ही हम लोग का टारगेट था, लेकिन आज हम लोग का मिशन ख़त्म हो गया। तो दूसरे दिन हम मिशन के लिए आएंगे, तो बस बचा खुचा खाना हम लोगों ने ढकेला और निकल पड़े अपने घर की ओर, मंजिल उधर। बस यहाँ से निकलते हैं सारे लोग और हम लोग को देखो क्या मिला जाते समय, देखो मतलब दुश्मनों ने देखो क्या क्या बिछा के रखा है। ये लाल बेरीज ये देख रहे हो, खाने से इसको एक एक भी खाओगे ना तो भीतर आ जाओगे, ऐसा है। तो हम इस लाल जेरी का कुछ कुछ बीज लेके जा रहे हैं, जो अपने भी इलाके में लगा देंगे। देखो पैकेट में पूरा लेके जा रहा है, रजाई पहन कर आया था वो। तो घर आते ही मैंने थोड़ा सा समय अकेले बिताया और अब मैं वापस से जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। अब से वापस से नॉर्मल लाइफ जीना है, उसे किसी को बताना नहीं है कि भाई अंडर कवर हैं, तो अब से नॉर्मल ब्लॉग आएगा। तो बस चलो बाहर निकलते हैं।